हेलो साथियों, मैं जुगलार आप सभी के सम्मुख एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, किसी प्रकार को आपको डाउट रहे तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब आज हम एक नया टॉपिक या एक नया मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं, कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम एनसीईआरटी न्यू पैटर्न से, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथ्स, यानी कि अध्याय एक में वास्तविक संख्याएं दी हुई है और इसमें से अंक का डिवीजन किया गया है, तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है और दो नंबर का छोटा प्रश्न और एक चार नंबर का, तो टोटल मिला के 7 अंक। तो इसको इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले एक प्रमेय का उपयोग किया जाता है, उस प्रमेय को हम इसमें पूरे डिटेल में समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर कोई भी नया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अब हम आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए 10th के ये जो चैप्टर सीरीज है हम आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी के सामने अध्याय एक का प्रमेय हम स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, जैसे कोई सी भी संख्या से उदाहरण से भी हम समझेंगे, लेकिन ये प्रमेय कभी भी एक नंबर में पूछी जा सकती है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी जब दी रहती है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जैसे कि q और r विद्यमान होती है, तब a बराबर bq plus r। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि ये गुणा करना कैसे होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? छोटी क्लासों में हमने कुछ भाज्य भाजक और भागफल के नाम सुने थे, उस हिसाब से हम इसको करने वाले हैं। तो जहां पर जैसे मान लो, यदि मैं इस a में, a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इस a में मैं b से भाग लगाता और भागफल मुझे q हमें प्राप्त होता है, भाग लगाने पर शेषफल यानी रिमाइंडर जिसको बोलते हैं r प्राप्त होता है, तब हम कैसे नाम देते हैं इसको? जहां करके, यहां ध्यान से समझना, जहां a बराबर क्या होता है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? भाज्य होता है, भाज्य। b बराबर भाजक, यानी कि जिसके माध्यम से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, और q बराबर भागफल, जिसको आप आंसर बोलते हो कि ये आंसर लेके आना है, तो ये भागफल होता है। r रिमाइंडर या शेषफल, यही प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, जो a लिखा हुआ है। जैसे मान लो a लिखा हुआ है हमारा, तो a को हमने क्या दिया? भाज्य। एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल, इसके अनुसार इसका इसमें गुणा, ऐसे b का q में गुणा, तो b हमारा क्या होता है? भाजक। इनटू भागफल प्लस शेष। तो ये जो फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इसके अनुसार ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। तो 1.1 में इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए हैं, उसका एक सवाल हम समझते हैं और बाकी के आपको हल करने वाले हैं। तो आपको हल करने हैं, जिसे मैं बता दूंगा कि उससे जिससे जो जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उसे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम उसको हल करेंगे। तो आपके सम्मुख में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लेके आता हूँ, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि भाग विधि भी कहलाती है, भाग विधि से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप सॉल्व कीजिए या इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रश्न वाले 1.1 का, पहला वाला एग्जाम्पल 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसको बताने के पीछे यह कारण है, बाकी के सवाल आप सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 12576 बड़ा है 4052 से, तब यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो सबसे छोटी संख्या होती है छोटी संख्या द्वारा भाग लगाया जाता है बड़ी संख्या में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ी है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर इसमें एक कंडीशन होती है, जीरो बड़ा है, जीरो छोटा है या बराबर है किससे, आर से, और बी का मान छोटा मतलब बड़ा रहेगा किससे, आर से। तो इसका मतलब ये है, ये प्रमेय हमने सब समझी थी, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जैसे हमने कहा था कि ये वाला मान बी, बी हमारा आया था भाजक, तो जो बी आता है भाजक ये हमेशा इससे छोटे वाले मान ही लगेंगे मतलब भाग लगेंगे, और आर कब तक, जब जीरो के बराबर नहीं आता है तब तक हमें भाग लगाते हुए नहीं रुकना है। तो हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रश्न में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किस में करते हैं, 4052 से हम करते हैं 12576 का, यह हमारा प्रश्न। अब भाग लगाते हैं तो ये इसका डिवाइड कितनी बार होगा, ये ध्यान से समझते हैं, 4052 का 12576 में। तो इसको जब यदि हम दो बार करते हैं तो लगभग 8000 के लगभग, और तीन बार करते हैं तो लगभग 12000 के लगभग। तो इसको तीन बार हम डिवाइड करके देखते हैं तो आ जाएगा ये 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12। तो ये 12156 आया है। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाते हैं तो 6 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपका 0, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 2, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 4, और बाकी के तो ये हमारा 420 बचा। अब हमें देखना है इतना सोल्व करने के बाद इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ए बराबर, तो ए हमारा क्या है, भाज्य। तो भाज्य हमारा हम यहाँ लिखेंगे 12576 बराबर किसके, 4052 बी के अनुसार, बी बी रहेगा ये हमारा 5, और इसमें किस कितने गुणा कर देते हैं 3 का, और प्लस कितना कर देते हैं 420। यदि मैं 3 का गुणा इसमें करता हूँ और इसमें 420 जोड़ता हूँ तो हमारा 12576 आएगा। जो शेषफल आया है हमारा, शेषफल r does not equal 0, मतलब हमें r 0 लाना है तब ये सवाल आपका पूरा पूरा HCF आपका ज्ञात होगा। अब 420 में हम कितने का, 4052 में भाग लगा देते हैं तो कितनी बार जाएगा ये ध्यान से देखने की बात है। तो ये यहाँ पर 405 है और ये 420 है, तो इसमें हमारा भाग नहीं जाएगा तो पूरी पूरी संख्या हम लेते हैं। 5 बार यदि लगा के देखते हैं तो लगभग 2000 के लगभग, तो 8 बार ये भी कम, तो 9 बार हम लगा के देखते हैं। तो 9 से ये 0 में करेंगे तो ये 0 रहेगा, 9 × 2 = 18 और 9 × 2 = 36, 36 × 1 = 37, 3700। अब इसको हम घटा लेते हैं तो घटाने पर 2 ऐसा कैसे बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा ये 7, 8 × 7 = 15 होता है। अब यहाँ पर एक हासिल लिया था हमने तो 10 बना था, 9 बन गया, 9 में से तो ये बचेगा 2, मतलब 272 बचा। अब 272 फिर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमारा भाज्य क्या था, 4052, 4052 बराबर इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई, 420 गुणित 9 प्लस 272, r does not equal 0, ये r बराबर नहीं है 0 के, चाहो तो ये रफ में भी कर सकते हो लेकिन हमें आपको यहाँ पर बता देते हैं। 272 का से यहाँ जगह नहीं, इस साइड में लिख देता हूँ, 272 से किसमें लगाएंगे, 420 में, ये चलती रहेगी ये प्रक्रिया जब तक कि हमारा r बराबर 0 नहीं आ जाता है। तो हम दो बार लगाते हैं इसको तो ये 2 × 2 = 4 मतलब लगभग ये 400 के लगभग आएगा। तो हम इसको देखते हैं और एक बार यदि लगाते हैं तो ज्यादा आ जाता है, तो एक बार लगा के देखते हैं तो ये 272 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, 12 में से इधर हासिल लिया था 11 बचा था, तो 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 4, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये 148 बचा। फिर 420 यहाँ लिख देते हैं बराबर 272 गुणित 1 प्लस 148, r does not equal 0 मतलब r बराबर नहीं है 0 के, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हमारा चल रहा है। यदि हम 272 में 1 का गुणा करते हैं और इसमें इसको जोड़ते हैं तो ये 272, 8 और 1 8 और 2 10, 7 3 10 और 1 11, और हासिल आया था 12, जोड़ दिया हमने,
और एक चार, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये हम जांच भी कर सकते हैं। सही, पहले किया करता था भाग विधि की जांच करना, तो ये 148। अब 148 में से हम 272 का भाग लगाते हैं। 148 से जब हम 272 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, वो भी हमारा 2 बार यदि कहते हैं तो ज्यादा हो सकता है, तो 1 बार लगाएंगे, तो 148 बार ही ये जाएगा। जब घटाएंगे 12 में से 8 गया तो बचा कितना, 4, यहाँ पर बचा 6, 6 में से ये 2 और ये 1, 124 बचा। फिर इसको भी ऐसी ऐसी प्रक्रिया दोहराते हैं, 148, सॉरी माफ करना, 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस 124, तो आर डज नॉट, जब तक करना है जब तक आर बराबर 0 नहीं आ जाता। अब आगे बढ़ते हैं, इसके 124 से 148 में भाग लगाते हैं, कितनी बार जाता है ये हम देखते हैं। एक सौ अड़तालीस अब 148 में लगाते हैं, कितनी बार देखते हैं हम, तो यदि हम 3 बार लगाएंगे, 4 3 12, ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 4 5 20, 5 2 10 और 1 11, 5 1 माफ करना, ये 5 बार नहीं 1 बार जाएगा, 124 से कम 124। अब जब इसमें से 124 में से 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 और ये 2, तो ये 24 बचा। फिर इसको भी दोहराते हैं, 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस शेषफल जो हमारा आया वो 24, आर डज नॉट इक्वल 0। अब 24 से भाग लगाएंगे किसमें, 124 में, 24 से भाग लगाया हमने 124 में, तो ये बहुत अधिक है इससे, तो ये जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा, 4 5 20 और ये हो जाएगा आपका 5 2 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 110। जब इसमें से घटाएंगे 4 और ये 14, 4 5 20 और ये 5 2 10 और 2 से लाया था तो ये हो गया गड़बड़ हो गया था, तो ये 4 लिख देते हैं। फिर वापस से हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, भाज्य हमारा 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस 4, आर डज नॉट इक्वल 0। अब फिर 4 से किसमें, 24 से भाग लगाएंगे, तो 4 से 4 6 24, ये 6 बार। अब आया हमारा रिमाइंडर यानी आर बराबर 0, तब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना गुणा लिखेंगे, 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0, क्योंकि शेषफल 0 आया हमारा और आर बराबर 0। तब अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि जब आर बराबर 0 आता है तब हम कह सकते हैं कि 12,576 और 4,052 का एच सी एफ कितना रहेगा, इसका एच सी एफ 4 रहेगा लास्ट में जो आएगा वो। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको तो हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, और यह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सॉल्व करके भेज भी सकते हैं, इसमें हमें लिखे हुए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।